हमारा ताल्लुक एक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, और चुप रहो तो मुनाफ़िकत, हकाइक बयान करो तो नाराज़गी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की वीडियो मेरा ऑर्डर था कैरमल केक का, साथ में पियर का टॉपर के साथ। इसको ये है कैरमल केक जिसके लिए मैंने स्पंज रेडी किया। स्पंज की रेसिपी आपको पहले मैं दे चुकी हूँ। ये स्पंज के ऊपर मैंने कैरमल की सॉस लगाई, उसके ऊपर वनीला क्रीम के साथ फिर ऊपर कैरमल लगाया, और फिर उसको मैंने ऊपर केक रखा, फिर मैंने इसके ऊपर कैरमल लगा के उसके ऊपर फिर वनीला क्रीम के साथ फिर उसमें भी मैंने कैरमल का टच दिया, फ्लेवर दिया यानी उसमें भी। इस तरह ये मैंने सारा केक रेडी किया। 3 स्पंज की लेयर मैंने रखी और उसको कवर किया। शुगर सिरप से मैंने इसको सोक किया। ये मैंने कैरमल सॉस, रेडीमेड कैरमल सॉस मैंने यूज़ की है। कैरमल मैंने स्पंज पे भी यूज़ किया और उसके बाद मैंने वनीला क्रीम में भी इसको लगाया। ये ब्लू एंड वाइट की थीम के साथ मैंने केक रेडी किया था कस्टमर की डिमांड पे। उन्हें एक छोटा सा केक चाहिए था कैरमल फ्लेवर के साथ, ब्लू थीम के साथ, और साथ में ब्लू कलर का उसके ऊपर टेडी बियर लगाना था फाउंडेंट का। फाउंडेंट की रेसिपी, बियर की रेसिपी जो है ना, वो मैं आपको बियर के जो टेडी बियर मैंने रेडी किया वो मेरी पेज पे पहले ही लगा हुआ, वो आप देख लें मैंने कैसे टेडी बियर रेडी किया, उसमें मैंने सारा बताया। ये देखें मैंने सारा केक ये कवर किया। आजकल गर्मी इतनी है, केक को स्टेबल रखना बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल की वेदर में, और ख़ासकर किचन में काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। और मैंने जल्दी से इसको रेडी किया, क्रीम के साथ कवर किया और उसको मैंने फ्रिज में रखा। एक दिन पहले हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि ये क्रीम इसकी सेट हो जाए और हमें ऊपर टॉपर लगाने में कोई मुश्किल ना हो। उसी दिन अगर केक बनाए और साथ में टॉपर बनाए फिर उसको सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो साथ में उनके कपकेक का भी ऑर्डर था, 4 कपकेक बनाने थे, बट 4 कपकेक तो हम बना नहीं सकते। होम बेकर जो है ना, वो आपको भी पता है कि थोड़ा काम तो करती हैं लेकिन बहुत थोड़ा भी नहीं करती, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। हमने ओवन लगाना है, गैस लगनी है, बीटर यूज़ करना है, और मेरे पास जो बड़ा बीटर है उसमें से उसके साथ तो कम चीज़ तो बनाई नहीं जा सकती। कम से कम 2 अंडे का जो बैटर है वो उसमें नहीं बनता मेरे बड़े बीटर में। और इसके लिए ये मैंने कपकेक रेडी किया और साथ में एक छोटा मेरा पाउंड का केक था, बस बिल्कुल सिंपल वनीला केक मुझे देना था, वो मैंने उसके लिए भी साथ ही बैटर बना लिया। ये वनीला कपकेक और ये बैटर जो पाउंड केक है उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने बैटर बनाया, उसके साथ मैंने कपकेक भी बनाया और साथ में ये केक भी बनाया। ये मैंने कपकेक रेडी कर लिए, ये कम क्वांटिटी में थे और थोड़े होते हैं तो ये जल्दी बेक हो जाते हैं। ये मैंने इनको बेक कर लिया और साथ में ये देखा, ये दूसरा पाउंड केक भी रेडी हो गया, इसको फ्रूट केक भी कहते हैं। ये मैंने इसको केक को बड़े बोर्ड पे लगाया क्योंकि इसके साथ मुझे कपकेक सेट करने थे। ये इसको ब्लू एंड वाइट की थीम के साथ मैंने हल्की सी कलरिंग दी, जैसे कि मुझे कस्टमर ने पिक्चर सेंड की थी, और ये कस्टमर की डिमांड पर कि यहाँ यहाँ पर कपकेक सेट करने हैं, मैंने वहीं पर कपकेक सेट किए और उनके ऊपर ब्लू कलर की उनको फ्रॉस्टिंग चाहिए थी और साथ में ऊपर थोड़े से पर लगाए। बाकी उनके अपनी डिमांड थी कि मैं इसके ऊपर कुछ टैग वगैरह लगाऊंगी, वो मैं खुद लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इनको सिर्फ ये बोर्ड बड़ा लगा के दिया और ये ऊपर मैंने इसके पर डाले। 4 कपकेक रेडी किए और उसके साथ ये पाउंड का केक था और उसके ऊपर टेडी बियर लगाना था ब्लू कलर का। आजकल तो कस्टमर भी ऐसा है जो चाहता है कि हमें होम बेकर का भी मिले, घर का बना हुआ मिले और सस्ता भी मिले, और इसके अलावा जो हमारे साथ कस्टमर बहस करते हैं कि कम से कम रेट करें, तो ये नहीं समझते हम लोगों ने कैसे इसको मैनेज किया, कैसे इसको बनाया, कितना टाइम हमारा लगा। और ख़ासकर मैं ख़ासकर इसके लिए जो हम लोगों ने इनके लिए टाइम निकाला और फ्रेश चीज़ इनको बना के दी, ये कस्टमर कभी नहीं समझ सकते। ये देखें ये केक रेडी हो गया, ऊपर उन्होंने 1 का